शो जस्ट रेडियो आपको कल से पहले कभी पता नहीं था कि ऐसा वाक्य हुआ है? बिल्कुल नहीं। किसी बच्चे के पेरेंट्स ने या इस बच्चे के पेरेंट्स ने आपको कंप्लेंट की? ना बच्चे के पेरेंट्स ने ना बच्चे ने खुद भी कंप्लेंट नहीं, किसी ने कंप्लेंट नहीं, किसी ने कंप्लेंट नहीं। आपको मालूम नहीं? नहीं बिल्कुल। आपको सोशल मीडिया से पता चला? सोशल मीडिया से पता चला। इसमें इंस्टीट्यूट बंद भी था इन 5 दिनों में, वहाँ कुछ कोरोना केसेस आए थे पॉजिटिव 6 केसेस, उससे फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था 5 दिन इंस्टीट्यूट को बंद रखो, तो ऑफिशियली बंद था इंस्टीट्यूट 5 दिन के लिए। आप कौन इंस्टीट्यूट में, आप स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी वेलफेयर के लिए कोई कुछ मेजर्स नहीं आपके पास होते हैं? आप ऐसा देखते नहीं कि जो बच्चा सफर कर रहा है किसी वजह से? होता है, बिल्कुल होता है सर। अंडरटेकिंग ली जाती है टीचर से पहले ही कि आपका बिहेवियर कैसे रहना चाहिए क्लास में। तो इस इंसिडेंट की अभी कंप्लेंट नहीं आई थी, मे बी इंस्टीट्यूट आज से फिर फंक्शन हो जाता और कंप्लेंट आती तो हम एक्शन ले लेते इसके। हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट का। इट वॉज वेरी मच अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कल ये वायरल हुआ वीडियो, इसके लिए वी अपोलोजाइज सिंसियरली। ये गलती है, इलीगल है और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्ट किया है इसके अगेंस्ट। फिलहाल हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमने टीम बनाई है इन्वेस्टिगेशन टीम कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो फिलहाल टीचर को भी रोका गया क्लासेस से। तो सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें, आपकी क्लासेस के अंदर सीसीटीवी कैमराज हैं, जो आप उनको मॉनिटर नहीं करते? हाँ, नहीं आप उनको किस वजह से? बिल्कुल सीसीटीवी कैमराज में पॉसिबल कि 9th को जो इवेंट हुआ वो 15 तक आप लोगों को पता ही चला? हाँ, ये इवेंट 9th को हुआ है, लास्ट क्लास थी जिस क्लास में ये, वो लास्ट क्लास थी। उसी दिन हमें एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ ऑर्डर्स मिले कि वहाँ पॉजिटिव 6 केसेस आए हैं, कोविड पॉजिटिव केसेस, तो इंस्टीट्यूट को फिलहाल बंद कर दो। तब से अभी तक फिलहाल इंस्टीट्यूट बंद है। तो कोई रिटर्न कंप्लेंट स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते क्या आप? एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर के टीचर को बैन करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस ये इलीगल एक्ट है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है। तो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट इट।